अरविंद केजरीवाल साहब का एक बहुत ही बेहतरीन बयान आया है, एक नया और अनोखा अनूठा बयान। उनका ये मानना है कि अगर हम करेंसी के ऊपर, जो कागज़ के नोट हैं उस पर, अगर हमने देवी देवताओं की इमेज को वहाँ पे लगा दिया तो हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। बहरहाल उन्होंने ऐसी बात डायरेक्टली नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें जो है देवी देवताओं की फ़ोटो लगानी चाहिए, इससे देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी हमारे इकोनॉमी के ऊपर। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे इंडियन जो हमारा जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें जितने भी लोग हैं उनके हर एक घर में किसी न किसी देवी देवता की फ़ोटो लगी है, जो हिंदू कम्युनिटी है। मुस्लिम्स भी करते हैं एक डिफरेंट वे में, वो भी हाजा मिन फजले रब्बी लगा देते हैं, या आयतल कुर्सी लगा देते हैं, या कोई और भी कोई आयत लगा देते हैं, या कुछ लोग कुछ घोड़े की तस्वीर लगा देते हैं, या कुछ करते हैं। उनका ये मानना है कि इसकी वजह से क्या होगा, उनके घर में बरकत आएगी या उनके घर में परेशानी नहीं आएगी, है ना। ये सब क्या है कि रिलीजन का अपना एक रिडक्शन है, एक रिलीजन के का एक अपना अपनी एक बनावटी शक्ल है जो लोगों ने बना रखी है। रिलीजन तो इसलिए आया ही नहीं था, रिलीजन किस लिए आया था, जो रिलीजन क्या है कि गॉड, आपका अपना सोल और नेचर, इसको समझने का एक आपको एक डायमेंशन देता है, एक आयाम देता है ना। इसमें आप बात करते हैं कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला है ना। आपके अंदर जो समझ है सही और गलत की, उसका सोर्स क्या है, और जो ये नेचर आप देख रहे हैं, इस नेचर में और क्या मिस्ट्रीज हैं, तो उसको एक समझने का एक तरीका है, एक बहुत ही हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो इनसिक्योरिटी है, हमारी जो डर है, या जो हमारे अंदर जो एक कल क्या होगा इस बात पे थोड़ी सी जो घबराहट है, या जो हमारी लालच है या डिज़ायर है, उसको फुलफिल करने के लिए हम अपने हाथों से देवी देवता भगवान बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। इससे क्या करते हैं, हम अपने लॉजिक को बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। अच्छा क्या है, पैसा नहीं आ रहा है, अच्छा इस देवी देवता की पूजा करो तो पैसा आ जाएगा, ठीक है। क्या ये धर्म बताता है? नहीं बताता है। हाँ धार्मिक सोसाइटी ये ज़रूर बताती है, पंडित मौलाना ये जो आपके धर्मगुरु हैं ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जब वो बताएंगे तो आप उनके पास जाएंगे, आप उनको कुछ पैसा देंगे, उनका कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म का जो प्राइमरी रेफरेंस है, प्राइमरी सोर्स है, या प्राइमरी टेक्स्ट है, क्या उसमें ये बातें कही गई हैं? बिल्कुल नहीं कही गई। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे इतना इतनी हिम्मत नहीं है कि हम रिलीजन को समझ सकें, हम उतना टाइम नहीं देना चाहते हैं, हमें बस उन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है जैसे कुछ सेलिब्रेशन है, या अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा उसको समझते हैं, है ना। तो ये रिलीजन है जो हम आम प्रैक्टिस कर रहे हैं आप आसपास में। उसके ऊपर जो पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं पॉलिटिशियन, कुछ ही तो गिने चुने पढ़े लिखे पॉलिटिशियन आपको नज़र आते हैं, उसमें एक अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी बड़ी इज्जत है, मतलब मैं ख़ुद बहुत ही इज्जत करता था उनकी, खैर अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल जो है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कोई बात कर रहे होते हैं या कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, तो हमें हमें उसका कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेना होता है, तो कई बार ऐसी भी बातें कर देते हैं जो कि बहुत ही इलॉजिकल है, लेकिन चूंकि वो बातें जो हैं ज़ीरो सम आउटकम नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ आउटकम होता है और जो पार्टी के फेवर में होता है, इसलिए लोग ऐसी बातें करते हैं। और हमेशा सही बात और हमेशा सच्ची बात और हमेशा ऐसी बात करना जो कि लॉजिकल है और जो कि सही और गलत के तराजू में जब डालें तो बिल्कुल सही आ जाए, ऐसी पॉलिटिक्स करना एक, इसको मैं कहूँगा प्रिंसिपल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है, जो कि आज की डेट में नहीं हो सकती, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है बिल्कुल सच्चाई की पॉलिटिक्स करेंगे। आप कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और अरविंद केजरीवाल साहब इसके जीते जागते लाइव नमूने हैं ना। अब देखिए इन्होंने ऐसी बातें करी हैं कि करेंसी पे जो है अगर हम भगवान की फ़ोटो लगा देंगे तो कृपा बनी रहेगी। कितने ही घर हैं, गरीब से गरीब घर में आप जाइए, लक्ष्मी देवी की जो है वहाँ पे पेंटिंग होती है, शिव जी की पेंटिंग होती है, तो क्या उनके घर में जो है पैसे और पावर उनके पेंटिंग लगाने से आ जाते हैं? नहीं आते। एक बहुत ही बुनियादी बात ये समझनी चाहिए लोगों को कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि भगवान के हैं, तो उनको भगवान पे छोड़ देना चाहिए, है ना। जैसे स्वर्ग नरक का फैसला करना है, भगवान पे छोड़ दो, है ना। बहुत सारे काम ऐसे जो हमें करने हैं, उसको भगवान पे नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे मेहनत करना है, मेहनत मजदूरी करना है, ईमानदारी से पैसे कमाने हैं,
है ना, ये मेरा काम है, भगवान का काम नहीं है। तो अगर हमने इस चीज़ को आउटसोर्स कर दिया भगवान को, और भगवान को जो काम करें, जैसे धर्म की रक्षा करना भगवान का काम है, वो भगवान करेगा, है ना, कहीं है, अगर आपको आपकी आस्था है तो। आपने उसके लिए अगर तलवार उठा लिया, लोगों को पीटना शुरू कर दिया, तो ये आपका काम नहीं था। आपका तो काम था कि धर्म के बताए हुए रास्ते पर चलना, उस रास्ते पर चलने से दुनिया में आसानी पैदा करना, है ना, ये आपका काम था। ये भगवान का काम नहीं है। भगवान का काम था कि धर्म की जो टीचिंग्स है वो आप तक पहुँचा दी, है ना। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, जो काम भगवान का है उसके ठेका हमने ले लिया है, और जो काम हमें करना चाहिए हमने कहा वो भगवान कर देगा। तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमी को कैसे सही करना है, उसके लिए क्या है, इकोनॉमिक से कुछ लॉज हैं, उसके कुछ कानून हैं, है ना। इकोनॉमी जो है किसी कंट्री में कैसे फंक्शन करता है, उसकी डिफरेंट फैकल्टीज हैं, है ना, उसके रूल्स रेगुलेशन हैं, दुनिया में कैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन कितना है, GDP क्या है, फॉरेन रिजर्व क्या है, ये सब चीज़ें, इस ऐसे इकोनॉमी चलती है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं भगवान की कृपा रहेगी तो इकोनॉमी अच्छी होगी, तो इसको कहते हैं भगवान भरोसे ही इकोनॉमी हो जाएगी, है ना। ये समझने वाली बात है, और बहुत ही अफसोस की बात है कि आम आदमी पार्टी जो है, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे एक आतिशी हैं, आपको मनीष सिसोदिया साहब हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, वो जब ऐसी बातें करेंगे, उनकी पार्टी जब ऐसी बात करेगी, तो बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल होपलेसनेस की जो है डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझना चाहिए कि अगर वो रिलीजन फॉलो करते हैं तो रिलीजन को इन द स्पिरिट ऑफ रिलीजन फॉलो करें, उसको सिर्फ कल्चरल जो है मतलब सेलिब्रेशन और रिचुअल में कैद करके ना रखें। सेलिब्रेशन करना या रिचुअल में पार्टिसिपेट करना अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन रिलीजन वो नहीं है, वो रिलीजन का एक मैनिफेस्टेशन है, है ना। रिलीजन जो असल है, उसकी जो बुनियाद है, उसकी बातें रिलीजियस टेक्स्ट में है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो मत फॉलो करिए, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपनी कार में कुछ लटका दूंगा, यहाँ पे गणेश जी की फोटो रख मूर्ति रख दूंगा, या सरस्वती देवी की मूर्ति रख दूंगा, तो मैं बहुत बड़ा पढ़ाकू हो जाऊंगा, या नॉलेज विद्या मेरे अंदर आ जाएगी, लक्ष्मी देवी की मूर्ति रखने से बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ लक्ष्मी देवी की मूर्ति और पेंटिंग हो तो आपके पास बहुत पैसा आ जाए, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आप देखिए अरब कंट्रीज़ में देखिए कौन रखते हैं वहाँ पे, ये फिर भी वहाँ बहुत पैसा है। यूरोपियन कंट्रीज़ में देखिए लोग बहुत खुशहाल हैं, वहाँ पे कौन सी लक्ष्मी देवी हैं। ये बस समझने की है, मतलब अगर आप समझना चाहें तो समझें, नहीं समझना चाहें तो आप कहेंगे देखिए ये बंदा जो है मेरे देवी देवता का अपमान कर रहा है। अपमान आप उसी वक्त करते हैं जब आपने भगवान के रूप को या भगवान के कंसेप्ट को एक ऐसे इमेज में डाल के उसकी जो गरिमा है, जो भगवान की जो मतलब क्या कहा जाए, उसकी जो वैल्यू है, उसको आप इस हद तक डिग्रेड कर देते हैं कि जिस तरह से आप लालच और भय को एक्सपीरियंस करते हैं, आपको लगता है कि भगवान उसी लेवल पे आके आपका साथ दे रहा है। ये तो एक बहुत ही मतलब मैं कहूँगा ये गिरी हुई हरकत है, ऐसा ना करें बेसिकली, है ना। तो समझने की कोशिश करूँ, आई होप आप लोग रिलीजन को पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो रिलीजन कहता है उस पर फॉलो करेंगे, उसकी सिम्बोलिज़म में, उसके कल्चरल और रिचुअलिस्टिक आस्पेक्ट में, और बहरहाल बहुत हद तक जो उसका जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है उससे दूर रहेंगे, इंशाल्लाह तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप कि हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जल्दी सेहतयाब हो जाएं, उनका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक हो जाए, और इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप में एक बहुत ही एक डार्कनेस आ गई है, मतलब उसमें जो है कुछ उम्मीद की किरण नज़र आए, है ना। इसी नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।